ऑनलाइन क्लासेस में गट्टू चिंकी की शैतानियाँ। कोरोना वायरस की वजह से सारे स्कूल और कॉलेजेस बंद हो चुके थे। स्कूल बंद होने की वजह से गट्टू और चिंकी के ऑनलाइन क्लास शुरू हो गए थे। गुड मॉर्निंग बच्चों, 2 महीने बाद आप सबको देखकर बड़ा अच्छा लगा। स्कूल शुरू होने तक हम ऐसे ही ऑनलाइन पढ़ेंगे। आप लोग अपने अपने माइक्स म्यूट रखना, कैमरा ऑन रखना और ध्यान लगाकर पढ़ना, क्योंकि कोई सो गया तो मैं यहाँ से चौक फेंक कर जगा नहीं सकता। ऐसा कहकर मिश्रा सर हंसने लगते हैं और पढ़ाना शुरू करते हैं। गट्टू और चिंकी ऑनलाइन क्लास में मन लगाकर पढ़ते हैं। इस प्रकार 2-3 दिन गट्टू और चिंकी का इंटरेस्ट बना रहा, लेकिन दोनों धीरे धीरे ऑनलाइन क्लास में बोर होने लगे और ऑनलाइन क्लास में शैतानियां करने लगे। चिंकी, मैं बोर हो गया हूँ। मैं भी। चलो थोड़ी मस्ती करते हैं। गट्टू चिंकी, क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? सर, हमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप क्या कह रहे हो? क्या बात कर रहे हो, बाकी बच्चों तक तो आवाज़ पहुँच रही है, क्यों बच्चों? हाँ सर, हमें आपकी आवाज़ आ रही है। गट्टू चिंकी, तुम्हारे नेटवर्क में कुछ खराबी है शायद, चेक करो। आप क्या कह रहे हो सर, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ऐसा कहकर गट्टू चिंकी एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। पीछे मम्मी खड़ी थी, वो दोनों की हरकतें देख रही थी। दूसरे दिन जब ऑनलाइन क्लास शुरू हुई तो फिर से गट्टू और चिंकी की शैतानियां शुरू हो गईं। आज भी मिश्रा सर को परेशान करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। गट्टू चिंकी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? चलो मेरे सवाल का जवाब दो, ताजमहल कौन से शहर में है? सर, हमें नहीं पता। अभी तो बताया मैंने, तुम्हारा ध्यान ही नहीं था। चिंकी, तुम बताओ कहाँ है ताजमहल? मिश्रा सर की आवाज सुनकर चिंकी डर जाती है और अपना माइक म्यूट कर देती है। सर तो गुस्सा हो गए, अब क्या करें? अब एक काम करते हैं, सर को बोलते हैं कि आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, आप दिख भी नहीं रहे, नेटवर्क इशू बताकर क्लास ही बंद कर देते हैं। ये अच्छा आइडिया है। चिंकी माइक ऑन करती है और कहती है, सर ना तो हमें आपकी आवाज सुनाई दे रही है और ना ही आप दिखाई दे रहे हो, लगता है हमारे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, हम दोबारा कनेक्ट करते हैं। ऐसा कहकर चिंकी ऑनलाइन क्लास डिस्कनेक्ट करती है। क्लास डिस्कनेक्ट होते ही गट्टू और चिंकी हंसने लगते हैं। ये उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, हमारा नेटवर्क तो सबसे स्ट्रॉन्ग है। हाँ, लेकिन ना तो ये बात मिश्रा सर समझ पाएंगे और ना ही हमें पनिशमेंट दे पाएंगे। ऐसा कहकर गट्टू और चिंकी फिर से उछलने लगते हैं कि अचानक पीछे से मम्मी और पापा दोनों आते हैं। तुम दोनों की शैतानियां खत्म हो गई हो तो हम ये कंप्यूटर उठाकर ले जाएं। मम्मी की बात सुनकर गट्टू और चिंकी चौंक जाते हैं। मम्मी पापा, आप ये कंप्यूटर कहाँ ले जा रहे हो? ये तो ठीक है, इसमें कोई बिगाड़ नहीं है। बिगाड़ कंप्यूटर में नहीं, तुम दोनों के दिमाग में है, इसलिए पढ़ाई छोड़कर दोनों शैतानियां करने में लगे हो। और इसीलिए अब हम ये कंप्यूटर किसी गरीब बच्चे को देने जा रहे हैं, जो कंप्यूटर ना होने के कारण ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा। और एक बात, तुम दोनों की सारी शैतानियां हम मिश्रा सर को फोन करके बताने वाले हैं। आप खड़े क्या हो, उठाओ कंप्यूटर। पापा मम्मी का रवैया देखकर गट्टू चिंकी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो माफी मांगने लगते हैं। सॉरी मम्मी पापा, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, ध्यान लगाकर क्लास अटेंड करेंगे। कोई शैतानी नहीं करेंगे, पर प्लीज आप ये कंप्यूटर ना ले जाना और ना ही मिश्रा सर से हमारी कंप्लेंट करना। ऐसा कहकर दोनों रोने लगते हैं तो पापा कहते हैं, बच्चों पहले ही कोरोना से पूरा देश परेशान है, स्कूल बंद होने की वजह से तुम्हारा नुकसान हो रहा है और ऐसे में तुम्हारे टीचर तुम्हें पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो तुम्हें उनका साथ देना चाहिए कि उनकी मुश्किलें बढ़ानी चाहिए। तुम्हारे पास सारी सुविधाएं हैं, फिर भी तुम्हारा ऐसा बर्ताव है, और उधर बेचारे गरीब बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो ना उन्हें कोई पढ़ा रहा है और ना ही ऑनलाइन पढ़ने की कोई सुविधा उनके पास है।
इसीलिए तुम्हारे पास जो है उसकी कीमत करो और ध्यान से पढ़ो। हम आप दोनों की बात समझ गए हैं, अब हम शरारतें नहीं करेंगे। फिर क्या, चिंकी फिर से कंप्यूटर पर ऑनलाइन क्लास कनेक्ट करती है और दोनों मन लगाकर पढ़ने लगते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।